आज हमारे साथ रामबाबू सहाय जी हैं और आप रहते हैं नेपाल। नेपाल समस्या ये थी कि इनके नीचे के जो दांत हैं उनमें तो कुछ इन्होंने कैप दांत कुछ लगवाए हुए हैं और ये बोले कि सर ऊपर के हमारे दांत नहीं है, हमारे ऊपर के दांत लगा दीजिए, चबाना खाना नहीं बनना। ऊपर इनके तीन ही दांत बचे थे फ्रंट के और वो भी हिल रहे थे, तो खाने चबाने में समस्या बहुत थी। इन्होंने हमें फोन पर संपर्क किया, सीधे इंसान है थोड़े से, तो ज़्यादा नहीं कोई वो नहीं है, उनको कहते मैं आ जाऊंगा वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है, तो आप आए हमारे पास, हमने इनका बोन स्कैन वगैरह किया, एक्सरे किया, तो उसमें यही पाया कि ऊपर का जो है ना थोड़ा हड्डी इनका कम था, ठीक है, क्योंकि बहुत समय हो गया दांत गिर गए पारिया से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, और आइडियल ये था कि नीचे का भी हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा फाइनेंशियल भी थी और हमें लगा कि आपका काम अभी चल जाएगा इससे, तो ऊपर के इनके इम्प्लांट लगा के दांत लगा करके और जो है ना जो भी अपना 4-5-6 दिन लगा होगा उसमें जो है इनके फिक्स दांत ऊपर के लगा दिए। राम साय जी, हाँ जी, आराम से, ये हिंदी थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, अच्छा। तो आप आराम से बताइए कैसा रहा, जिस उम्मीद से आए थे वैसा हो गया काम? हो गया। हो गया? हो गया। अच्छा, कैसा रहा? इधर थोड़ा बोलिए क्यों कम बोलते हैं। खाए चबाए खाए, छोला भटूरे खाए, नए दांतों से छोला भटूरे खाए, चावल खाए। और वो क्या कह रहे थे आप, क्या खाए थे वो नेपाली जो चीज, आप क्या खाना बता रहे थे? हमने नया शब्द सुना है, क्या कह रहे थे आप, क्या खा के आए? हम लोग ठकुआ बोलते, ठकुआ। ठकुआ? हाँ, तो ठकुआ करा होता है, करा होता है, करा होता है। क्या मटरी जैसा होता है? नहीं नहीं, वो जो है ना मैदा का बनता है। मैदा का बनता छान के जो है ना हम लोग को, जैसे कि दीपावली नहीं होता है, छठ नहीं होता है, ठकुआ, ठकुआ वही, वो छठ पूजा हमारे यहाँ पे भी बिहार में यहाँ भी होती है, वही खाते तो करे है ना। तो वो कर रहा होता है काफी, काफी मजबूत होता है। खाए थे हम, खाए थे, पिंड खा लिए थे, इसलिए टेंशन नहीं था, सोचे कि फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे खाए कि नहीं खाए, तो फिर हम चावल खा लिए। अब ये बताइए ठकुआ खाने में दर्द तो नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। और ये बताओ देखने में सुंदर हो गए दांत? हाँ, बढ़िया स्माइल हो गई, स्माइल हो गई, अच्छी हो गई। और ये थोड़े से परेशानी में थे मैं बता दूं, क्योंकि इनके कोई रिलेटिव है वो इस दौरान एक्सपायर भी हो गए, तो ये थोड़ा परेशानी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारा थोड़ा जल्दी कर दीजिए, तो मैंने थोड़ा सा समय पर जल्दी निकाल के इनका थोड़ा जल्दी काम किया है। बहुत बड़े इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, तो ये है कि अभी इनका काम अच्छे से हो गया है, सारा इम्प्लांट लग गया पीछे से आगे तक, सब टेरिगॉइड और इम्प्लांट लगे इनके और दांत जो है फिक्स हो गया। अब इनसे यही कहा गया है कि तब जब तक आपका नीचे के दांतों का काम चल रहा है तब तक चलाइए, और नीचे के दांत आपके खराब हो जाए तो नीचे के दांत भी ऐसे ही इसी विधि से लगवा दीजिएगा, जिससे आपका फिर आगे के लिए बढ़िया हो जाए। बट अभी इनका खाना चबाना भाई ये था कि खाना चबाने में बहुत परेशान थे, तभी खाना चबाना इनका अच्छे से हो गया और स्माइल भी बढ़िया। ठीक है, यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा नेपाल से आए तो कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं। वही बोला गेस्ट हाउस में थे, गेस्ट हाउस में 600 रुपया बोला तो 550 रुपया में हो गया, हो गया। और दो लोग थे आप? हाँ, दो लोग ये आए थे, इनके साथ में इनके रिलेटिव भी हैं, वो भी आए थे, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो साथ में आए हैं, तो लेके आए, तो उन्होंने भी सब समझा, उनका नहीं डॉक्टर साहब होशियार है, बढ़िया आपका कर देंगे, तो उन्होंने जो है ये है कि इनका हो गया, दोनों लोग साथ में रुके, ठीक है, 550-550 रुपये में रोज में दो लोग रुक रहे हैं तो क्या कुछ ज्यादा तो है नहीं, और ठीक है अपना 5-7 दिन में इनका काम हो गया और अपने आज हंसी खुशी नेपाल वापस जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा रहा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाँ, और बढ़िया से खाइए चबाइए, ठीक है, और इसमें जो है ना 4-5 महीने बाद हो सके तो एक बार आकर के दिखा दीजिएगा, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, खाई चबाइए, कोई जो नहीं है, सिर्फ ब्रश करना है दांतों पे, जैसे नीचे के दांतों ब्रश करते हैं, कोलगेट पेप्सोडेंट वही जो ब्रश होते हैं, ब्रश और पेस्ट, खाली डाबर से नहीं करेंगे, डाबर से वो ऐसा मत करिएगा जो दांतों की चिकनाई को खत्म करें, पॉलिश को खत्म करें, तो दानेदार नहीं करना चाहिए, वैसे भी मना करते हैं। हम लोग जो है ना हमारा दुकान भी है, कोलगेट साल्ट बेचते हैं, अच्छा अच्छा, कोलगेट साल्ट बेचते हैं, कोलगेट हल्दी बेचते हैं, कोलगेट स्ट्रॉन्ग बेचते हैं, अच्छा, ये आयुर्वेद का काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, दुकान है हमारा, ठीक है, कोई भी पेस्ट जो झाग बनाता हो और दांत में अच्छे सफाई करता, अच्छा, रामदेव बाबा का भी है, हाँ, बाबा रामदेव का भी है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें झाग बनता हो सफाई हो, इसमें देखिए कोई ठंडा गर्म तो लगता नहीं है, जो हम कोई ठंडे गर्म वाला पेस्ट करना है या कुछ करना है, मेडिकेटिव पेस्ट करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल जो पेस्ट होते हैं जिससे सिर्फ सफाई ठीक से हो, बस वही करना है, सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, और इसकी कोई केयर नहीं है, दो टाइम करना है, बाकी खाओ चबाओ आराम से, ठीक है, बढ़िया हो गया, ठीक है, खुश है, पूरी तरह प्रसन्न है, खुश है, चलिए, धन्यवाद आपका, इतनी दूर आए, ठीक है, और होप सो कि हमने अच्छा आपका काम कर दिया।